नमस्कार सिटी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है और इस बार मैं मौजूद हूँ सफीदों के बिजली घर में बिल्कुल। और मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर आए हुए हैं। उन्होंने हड़ताल जो है आल हरियाणा कारपोरेशन वर्कर यूनियन का हेड ऑफिस हिसार के सब कर्मचारियों ने हड़ताल की है और यहाँ पर जो कर्मचारी है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके सरकार को चेताया जा रहा है। जब तक इनकी मांगों को माना नहीं जाएगा उस वक्त तक इनका 2 दिवसीय जो हड़ताल है वो चलती रहेगी। और यहाँ पर वर्कर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, साथी जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, पटर मुर्दाबाद, पटर पटर मुर्दाबाद, हमारी हड़ताल कामयाब। बिल्कुल, जो कर्मचारी हैं वो भी नारों का सहयोग देते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं पंकज भाटिया हैं, प्रधान हैं बिजली कर्मचारियों के जो इसमें प्रधान है सर। राजेंद्र ऑल इंडिया जो पावर के कॉर्पोरेशन जो वर्कर्स यूनियन के आलर हरियाणा से हैं ये। भाटिया साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप सुबह से धरना दिए हुए हैं, क्या डिमांड रखते हैं सरकार से? सरकार से डिमांड सभी न्यूज चैनलों को बता चुके हैं, सरकार से बहुत बार कह चुके हैं परंतु सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। 29 सूत्रीय जो हमारा मांग पत्र है उसके अंदर हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि उसके अंदर 20 मांगे कम से कम ऐसी हैं जो जनता के और 9 मांगे हैं जो हमारी हैं उसके अंदर भी वो भी जनता के, हम भी जनता से जुड़े हुए हैं तो वो भी जनता के हितों की है, कर्मचारियों के हितों की है। परंतु सरकार इन बातों को मानती तो है परंतु उनको धरातल पर लागू नहीं करती। जिस प्रकार से लगा लो हम पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की बात कर रहे हैं, सारी जिंदगी काम करके एक निगम में या किसी डिपार्टमेंट में लगा लो, आप अध्यापक संघ में लगा लो या नगर पालिका में लगा लो, तो हमारी पेंशन को ना देना सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। और अपने MLA मंत्रियों को 2-2, 3-3 बार बनने पर भी ये पेंशन देते हैं तो ये गलत है इनका। और कच्चे कर्मचारी जो हैं बहुत बड़ी तादाद में आज जिनका शोषण हो रहा है, हम उन कर्मचारियों को पक्का करने की मांग करते हैं जब तक वो पक्के ना हो। अभी देखा होगा पंजाब सरकार ने एकदम घोषणा कर दिया है कि 35,000 कर्मचारी कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएंगे और नियमित भर्ती की जाएगी, कर्मचारियों में खुशी की लहर है। तो इसी प्रकार से हम सरकार से निवेदन करते हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि पक्के कर्मचारियों की तर्ज पे जब तक कच्चे कर्मचारी पक्के न हो जाए उनको समान काम समान वेतन लागू किया जाए, जिसमें हरियाणा सरकार पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। और ये हमारी सबसे पहले मांग है कि समान काम समान वेतन इस प्रदेश में लागू करें। नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो भी धरने पे हैं, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं फायर के वो भी, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पटवारी जो तहसील में कार्य करते हैं रजिस्ट्रियाँ करते हैं उनकी भी हड़ताल है, तो पूरे हरियाणा में जो आपके बिजली के कर्मचारी हैं किस किस जगह पे जो हड़ताल जारी? मैं आपको बताना चाहता हूँ ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के अंदर बैंक के कर्मचारी, नगर पालिका के कर्मचारी, PWD के कर्मचारी, स्वास्थ्य के कर्मचारी, अध्यापक संघ, बिजली बोर्ड, यानी कि एक पुलिस का डिपार्टमेंट और फौज का डिपार्टमेंट एक ऐसा है जो हमसे हमारी इस यूनियन में नहीं है, अन्यथा सर्व कर्मचारी संघ के अंदर करीबन 27-28 संगठन आते हैं। 27-28 संगठनों के सर्व कर्मचारी संघ के तमाम कर्मचारी आज हड़ताल पे। रोडवेज विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने सुचारू रूप से सुबह से बस भी चलाई हुई है, कनेक्टर ड्राइवरों की बात करूँ और सुचारू रूप से वो चालू भी है, क्या वो आपकी हड़ताल में शामिल है? रोडवेज के अंदर 7 यूनियन है, बिजली बोर्ड में भी 2 यूनियन है, HSB वर्कर यूनियन है, आज वो हड़ताल में नहीं है परंतु कर्मचारी महासंघ का ऊपर से आदेश है और वो उसकी शाखा भी है। अब वो उनकी सोच है कि वो हड़ताल पे क्यों नहीं है, पर रोडवेज का मैं बताना चाहता हूँ 7 यूनियन है, 7 यूनियन के अंदर जो SKS की सर्व कर्मचारी संघ की यूनियन है वो कर्मचारी हड़ताल पे है, बाकी 6 यूनियनों के कर्मचारी हड़ताल पे नहीं है, ये सर्व कर्मचारी संघ की हड़ताल। आप किस पद पे हैं? मैं यूनिट प्रेसिडेंट पंकज भाटिया, AHPC वर्कर यूनियन सभी दो। सर
क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से कर्मचारी हैं जो चीजा विभाग के कर्मचारी हैं उनका शोषण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, शोषण को जब तक ये ठेकेदारी प्रथा रहेगी शोषण रहेगा। एक नियमित कर्मचारी हो और पोस्ट के हिसाब से भर्तियाँ हो तो इससे जनता को भी राहत मिलेगी। अब 10 आदमियों की जगह एक या दो काम कर रहे हैं, वो काम का बोझ भी पड़ रहा है और ठेके पे जो बंदे या जो भाई हमारे लिए हुए हैं वो भी जनता का हिस्सा है, हमारे साथी हैं, उनको पूरा वेतन देने के बजाय काम तो पूरा लिया जाता है लेकिन वेतन पूरा नहीं दिया जाता, कहीं ना कहीं उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। जब तक आर्थिक शोषण रहेगा तो कहीं ना कहीं ये खाइयाँ बनेंगी और खाइयाँ बनेंगी तो कहीं कहीं समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार समाज को जोड़े, ना कि उसको तोड़ के उसका फायदा उठाए। तो ये जो नीतियाँ हैं तुष्टिकरण की तो ये ठीक नहीं है। क्या डिमांड, मुख्य डिमांड जो है? मुख्य डिमांड सर हम बता चुके हैं, बाडा साहब ने बताया और आपने भी पहले भी आप आए हो उसको बताया, जो न्यू पेंशन स्कीम है जो नेता जो भाषणों में कहते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्कीम है तो हम इसका डिमांड करते हैं। तो जितने सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, जो भी है, इसमें एनपीएस में आप क्यों नहीं आते जब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और बेस्ट स्कीम है? आप भी आइए, क्यों फिर पुरानी पेंशन में डाले हुए अपने आप को? हम या तो हमें भी डालिए या फिर आप भी एनपीएस में आइए। और एनपीएस एक प्रकार से घोटाला मानता हूँ मैं, क्यों मानता हूँ इसको? सरकार बजट का रोनर होती है। अब सरकार 10% हमारा काटती है, 10 से अब 14% वो आप देती है, फिर वो कॉरपोरेट या फिर अलग से शेयर मार्केट में मुश्किल डालती है, यानी कि 10% हमारा भी निकाल लिया और 14% अपना भी दे दिया। तो ये 24% जो बाजार में गया है वो कहीं ना कहीं सरकार को इफेक्ट करता है। अगर ये 24% सरकार के खाते में रही, एकदम रिटायरमेंट नहीं होती है। अगर लाखों आदमी लगे हुए हैं उनमें से मुश्किल से साल में 2000-3000 आदमी रिटायरमेंट होते हैं और सेविंग में बाकी बच के जो सेविंग करते हैं 10,000-20,000, अब तो 10% देते हैं, फिर 10,000-20,000 क्योंकि सब अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो वो पैसा लार्ज अमाउंट में अगर सरकार के पास रहे, सरकार को इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़े और सरकार के पास बकायदा वो फंड रहेगा आर्थिक विकास के काम में, सामाजिक जो दायित्व है सरकार के वो पूरे कर सकती है सरकार। तो बिल्कुल। और हमारे साथ है जयवीर शर्मा। जयवीर शर्मा जी, जयवीर शर्मा जी, उनसे जानते हैं क्या डिमांड रखते हैं सरकार से, सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सिटी न्यूज का मैं यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और जो सरकार की ये दोहरी नीति है कर्मचारियों के भड़काने वाले, कर्मचारी एकजुट होकर अपना आंदोलन कर रहे हैं और ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहे हैं सरकार के। क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को मानेगी? सरकार कर्मचारियों का जो आंदोलन करने का जो है ना वो है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार मानो चाहे ना मानो वो स्टेट के नेतृत्व करेंगे, जो स्टेट के नेता हमारे को आदेश देंगे हम उनको भूल चढ़ाएंगे। तो बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी आपने देखा जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया जो पेंशन है उसी को लेकर के सरकार के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। अब देखना होगा सरकार इसमें क्या कुछ मामला अपने संज्ञान में लेती है। तो बने रहे सिटी न्यूज के साथ, 24 पब्लिक वॉइस के साथ, और एक नई खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं। तब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।